हे गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक और न्यू वीडियो में। और आज हाँ सही गैस कर रहे हो। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि कुछ GTA लाइक गेम जो कि काफ़ी अंडररेटेड है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्लीपिंग डॉग्स की। तो आज वेलकम टू द गेम रिव्यू ऑफ स्लीपिंग डॉग्स। स्लीपिंग डॉग्स एक 2012 और एक 14 की गेम है। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 2012 में इसका ओरिजिनल और डेफिनेटिव एडिशन आया था 2014 में। अगर तुम्हारा लो एंड पीसी है, ये वैसे पुराना गेम है, तो तुम्हारे पीसी में चल जाएगा। और आज तुम्हें रिव्यू देख के पता चल जाएगा कि क्या तुम्हें ये गेम खरीदनी, डाउनलोड या फिर तुम्हारे पीसी में होनी चाहिए। और अगर तुमने नहीं खेली है तो क्या तुम्हें खेलनी चाहिए, और अगर खेल ली है तो ये गेम कैसी थी। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी कैरी का कॉपी हो गया, सॉरी। स्लीपिंग डॉग्स की स्टोरी एक ठीक ठाक सी है। मतलब स्टोरी में इतना कोई इंटेंस नहीं है, एक नॉर्मल क्राइम स्टोरी है। लाइक वो गैंग से भिड़ता है, इधर उधर जाता है, कोई बिट्रे नहीं है गैंग्स पे, और डेप्थ में जाता है। जो ऐसी स्टोरी है जो एक प्लेयर को स्टार्ट से फिनिश तक बांध के रखता है, जो कि तुम्हें इंटरेस्ट करेगा। एंड मतलब इतना है कि ठीक ठाक चल जाती है स्टोरी, ठीक है। वही शेन जो कि इसका मेन कैरेक्टर है इस गेम का, वो एक अंडरकवर कॉप है जो कि सन ऑन यी गैंग के साथ लफड़ा करके उनके डेप्थ में तक जाने की कोशिश करता है। और उनके सारे बॉसेस, सारे वो में, मतलब तुम्हें गैंग्स के बारे में इसे पता चल जाएगा। और हाँ, सन ऑन यी एक रियल लाइफ गैंग से इंस्पायर है, जो कि जापान में ही है, तो इसमें वो दिखाया गया है। और या ये इतनी फेमस नहीं है, क्योंकि ये थोड़ी चाइनीज़ या फिर चाइनीज़ गेम है, हांगकॉन्ग है इसमें। और अगर कैरेक्टर्स की बात करें तो काफ़ी मतलब हग्गू कैरेक्टर्स, आज बताऊँ तो हग्गू कैरेक्टर्स हैं इसमें, जिसके मतलब बहुत सारे कैरेक्टर्स में मरते हैं, बट कभी भी वो इमोशनल नहीं लगता। लाइक सेकंड सैन एंड्रियास में जब ये मोटू मरा था, तो हम लोगों को एक पता नहीं क्यों यार दिल से वो लगता है। या फिर ये जो एंडिंग हुई थी GTA 5 में, क्राइम गेम्स में मोस्टली हम लोग एक कैरेक्टर से जुड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई कैरेक्टर से हमारा डेप्थ नहीं है भाई। मतलब चल रहा है ठीक है, वो स्टोरी पर ध्यान दे रहे, बस कोई इतना कोई इमोशनल वो नहीं है, कोई वो ये नहीं है, वो नहीं है, ठीक है। तो मैं किसी चुप्पी क्यों दे रहा हूँ तुम्हें, थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। गेम प्ले और इसके गेम प्ले मैकेनिक्स, इस सोते हुए कुत्ते, हाँ स्लीपिंग डॉग्स हद से ज़्यादा फाड़ू हैं वह, और काफ़ी बढ़िया लगते हैं, क्योंकि इसमें आप लोग शूटिंग, ड्राइविंग, पार्कोर तो कर ही सकते हो, पर इसका हैंड टू हैंड कैमरा चूमेश्वरी है। डेवलपर्स ने हैंड टू हैंड कॉम्बैट पे बहुत तुम ध्यान दिया है। तुम लोगों को कराटे, कुंफू, टाइकोंडो और कुछ भी ब्रूटुअल्स फिनिशर आसपास के चीज़ों से इंटरेक्ट करके मौका मिलता है। कराटे, टाइकोंडो और कुछ ब्रूटल फिनिशर्स भी करने का मौका मिलता है आसपास की चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करके, बहुत ही चीज़ें। और आपके पास तो बहुत सारी फीचर्स हैं, लाइक तो इंटरेक्ट करके तुम्हें बहुत सारे फिनिशर्स का मौका मिलता है, लाइक कभी किसी पर कांच फोड़ दो, कभी ये कर रहे हो, जो कि काफ़ी बढ़िया लगते हैं, मतलब सेटिस्फाइंग लगते हैं यार। और भाई तुम लोगों को इसमें हैंड टू हैंड कॉम्बैट का इतना मौका दिया जाता है, बहुत सही। और तुम इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिलते जाए, लाइक तुम किसी भी NPC को किडनैप कर सकते हो और अपनी गाड़ी में धर सकते हो उसको, और कहीं से कहीं भी ले जा सकते हो, और कहीं भी बाढ़ में फेंक दो उसको। और जैसे आपके पास पीछे पुलिस पड़ती तो तुम्हें वो गोली नहीं मारती, तुम्हें अरेस्ट करने की कोशिश करेगी, लाइक तुम एक चेस करके उनसे बस कर सकते हो। और बात करें तो बहुत अच्छे हैं, द लोकेशन एंड ग्राफिक्स आर अहेड ऑफ दिस टाइम इन सेटिंग, बिकॉज इस गेम की सेटिंग इतनी प्यारी है। हांगकॉन्ग में ये गेम सेट है, इसलिए इसकी ग्राफिक्स इतनी ब्यूटीफुल लगती हैं।
लगती हैं, और शहर भी में बहुत चहल पहल लगती है। कोई भी एनपीसी लाइक ग्लिच नहीं है, या फिर कोई एनपीसी ऐसा मतलब भरा हुआ है शहर, मतलब कहीं भी तुम्हें लोनलीनेस फील नहीं होगी। और एनपीसी के भी मैकेनिक्स काफ़ी अच्छे हैं, वो रिएक्ट उसी तरह से करते हैं, ऐसा नहीं कि भाई कुछ भी कर रहे हो, कुछ कर रहे हैं हम और कुछ भी कर रहे हो, तो मैकेनिक्स अच्छे हैं। कंक्लूजन ये सबसे निकला है, इतना फास्ट मैं बोल के बता रहा हूँ कि कंफ्यूज यही है कि भाई अगर तुमको लग रहा है एक बढ़िया यूनिक ओपन वर्ल्ड क्राइम एंड GTA लाइक गेम खेलना चाहते हो तो जल्दी जाके डाउनलोड करो। एंड मैं इस गेम से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुआ था, इसके मिशंस, इसका हैंड टू हैंड कॉम्बैट, मतलब तुम्हें बहुत अच्छा आएगा। तुम धीरे धीरे और नई स्किल सीखते हो, तुम तोड़ फोड़ सकते हो, कांच फोड़ रहे हो, बहुत मतलब फाइटिंग गेम प्लस ओपन वर्ल्ड प्लस GTA मतलब एक यूनिक कंसेप्ट पर बना है। एंड अगर तुम GTA से बोर हो चुके हो, तुमने GT5 तक ख़त्म कर दिए हैं, तो तुम ये डाउनलोड कर सकते हो। आई रिकमेंड दिस। एंड अगर तुम्हें स्टोरी से उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, वैसे स्टोरी उतनी बुरी नहीं है, बट आई थिंक और बेटर हो सकती थी। खैर, मैं इस गेम को रेटिंग कर चाहता हूँ 8/10 बिकॉज ऑफ स्टोरी एंड कैरेक्टर। वो बुरे नहीं है, बट मुझे लगता है ये बेटर हो सकते थे जिस हिसाब से गेम की स्केल थी। ठीक है, तो इतना फास्ट बोलने के बाद सॉरी, मेरी फर्स्ट वीडियो थी, जो भी है। आज के लिए इतना ही, गेम रिव्यूज़ आते रहेंगे। अगर तुम्हें भी कोई गेम रिव्यू चाहिए कोई, तो कमेंट में बताओ और सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और गेम रिव्यूज़ के लिए। गेम की ये मैंने कुछ पॉइंट्स रखे थे, काफ़ी जल्दी मैं बना रहा हूँ मैं तो। या आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।